गाइस पूरा प्लान खराब हो गया है। देवकुंड वाटरफॉल की एंट्री 2 बजे तक लगी रही थी लास्ट, और हम लोग वहाँ पे 2:05-10 में पहुंचे। अलाउ नहीं है कि अंदर छोड़ने के 2 बजे के बाद, जो हो रहा है होने दो। छे तो वन नाइट हम लोग इधर ही बस स्टॉप में निकालेंगे, लेकिन देवकुंड तो मैं जाकर ही रहूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुचित व्लॉग्स। सो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे देवकुंड वाले व्लॉग में। जैसे कि आप सबको पता है, मैं कल आया था और मुझे लेट हो गया, इसके लिए मुझे अंदर एंट्री नहीं मिली थी, तो मैं वन नाइट यहीं पर स्टे किया। तो अभी सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं देवकुंड। 6:30 बज रहे, हम लोग 4 बजे उठ के रेडी वगैरह हो गए, फ्रेश हो गए, तो अभी यहीं के बस स्टॉप पे हूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ देवकुंड। जो बंदा सौरभ नाम का है, वो अभी हम लोग को पिकअप करने के लिए आ रहा है यहीं पर बस स्टॉप पे, और देखते हैं क्या करने मिलता है। तुम लोग वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही मजाक मस्ती बहुत होने वाला है। सुचित मोरे। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, जो कि पर पर्सन 50 रुपया चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन का, और फिर यहाँ से गाइड के साथ तुम लोग अंदर भेजते हैं। तो चलो जाते हैं, यहाँ से अभी ट्रैक चालू होने वाला है। आपला 1.5 तासाचा ट्रैक है। ते आपल्याला रिवर क्रॉस करायचे, त्याचे आपण रोप वगैरे बांधलेले आहेत गाईड लोकांनी, आणि ते पण असतात आपल्या मदतीला। बाकी काय नाही, बाकी इझी रोड आहे, सगळा प्लेन रोड आहे, 1 किलोमीटर इनक्लाइन आहे। कल व्लॉग में बता रहा था कि सौरभ नाम का बंदा जो मिला हम लोग को, तो यही है वो जिसने हम लोग को हेल्प किया स्टे वगैरह, यही हम लोग को लेके जाने वाला, ट्रैक यही कराने वाला है। तो भाई को थैंक्स, और अगर तुम लोग कभी आ रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया भाई का, तो भाई को कांटेक्ट करके आना। और सिर्फ यही एक वाटरफॉल नहीं, और भी बहुत सारे है, बहुत है। हाँ, यहाँ पे देवकुंड वाटरफॉल है, बहुत अच्छा है, आप कॉन्टेक्ट करके आओ, आपको घुमा दूंगा। जब भी तुम लोग वहाँ से निकलोगे निकलने के पहले, या फिर 1-2 दिन पहले भाई को कॉन्टेक्ट कर लेना, तो भाई से बात कर लेना सब तुम लोग अगर स्टे वगैरह कर रहे हो तो। चलो अभी जाते आगे। सुबह सुबह आने का हम लोग को एक फायदा हुआ है, कि एक नहीं बहुत सारे फायदे हुए हैं, जिसमें से ये है कि फॉग वगैरह देखने मिल रहा है, और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब मिल रही है। आवाज़ तुम लोग को सुनाई दे रहा है क्या? पानी का आवाज़ है, और बर्ड्स वगैरह आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ही पीसफुल हो रहा है। वॉटरफॉल कधी पासून आहे इकडे? हा वॉटरफॉल आता 5 वर्ष झाली, 5-6 वर्ष झाली, तेव्हा तो फेमस झाला। नाही तर त्याच्या अगोदर जास्त करून यायचे नाही, जास्त ट्रेकिंग ग्रुप येऊन, म्हणजे 5-6 वर्ष झाली फेमस झालाय। हा, अगोदर इकडे म्हणजे देवस्थानच आहे देवकुंड। हा, देवकुंड हे देवस्थान आहे, बगलजाई देवी आहे तिकडे, आणि तुळस आहे। हा, जे बगलजाई आपलं हे आहे ना देवी, देवी खालती आहे, आणि वरती जे आहे ना ते भैरवनाथ कुंड आहे, भैरवनाथ कुंड वरती आहे ते, आणि तिथे शंकराचं आहे पिंड। हा, त्याच्यामुळे ते शंकराचं तू बोललास ना मगाशी, हा ते मानलं जात। आणि हा डॅम कोणता आहे? हा उन्नेही धरण आहे, भिरा डॅम। भिरा डॅम, हा मोठा आहे, मोठा आहे, खूप मोठा आहे। त्या बाजूने एंट्री आहे त्याची, टाटा पॉवरच्या गेट समोर वर्ण दिसतो। हा, वरतून दिसेल ना, आता पुढे गेल्यावरती पूर्ण ओपन आहे एरिया, तिथून सगळं दिसेल आपल्याला। सगळं भरत असेल ना पावसाळ्यात? तिकडे मागे रोप लावतो आणि मागून लोक काढून माती वरतून जातात। यही पे अंदर छोटा सा एक होटल है, वहाँ पे हम लोग रुके पोहा वगैरह खाने, नाश्ता करने, क्योंकि सुबह से हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, खाते और फिर आगे जाते। काय नाव है? भांड्या। भांड्या 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 आणि भांडी तिच विवेक गाईड्स वगैरे कधीपासून लावले?
हे गाईड वगैरे अगोदर काय व्हायचं, अगोदर कोण काही लोक यायची त्यांना गाईड हवा असायचा, काही जण गाईड घ्यायची नाही डायरेक्टली जायचे, त्याच्यामुळे इन्सिडेंट व्हायला लागले. आणि मग त्याच्यामुळे आम्ही मग विचार केला की जर एवढे ॲक्सिडेंट होत आहेत तर लोकांची काळजी घेण्यासाठी आम्ही चेन सिस्टीम चालू केली. म्हणजे गावकऱ्यांनी म्हणजे जागोजागी आता तू जिथे पण जिथे रिस्की पॉइंट आहे तिथे प्रत्येक ठिकाणी एक एक गाईड उभा असतो आणि तुम्हाला तो मार्गदर्शन करतो की इकडून असं जा, इकडे उतरू नका, पाण्यात उतरू नका, चिकट असेल काय असेल. तर म्हणजे ते ह्या पावसाळ्यापासून ही चेन सिस्टीम चालू झाली आणि आता ती अशी चालूच राहणार आहे जेणेकरून काही अपघात होऊ नये. अपघात होऊ नये चालू केले तेव्हापासून काही झालं नाही. नाही नाही तेव्हापासून काहीच झालं नाही कारण की जो गाईड आहे तो सगळे म्हणजे मनापासून पूर्ण काळजी घेतात लोकांची. पण यहाँ पे बीच रास्ते में एक पुल लगता है जो कि लकड़ी से बनाया हुआ है, वो जो वहाँ पे खड़े ना उन्होंने बनाया है. तो दूसरा ऑप्शन वो भी है कि रोप पकड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो रिस्की है और वहाँ पे पानी नहीं है. अगर पानी रहता तो मैं वहीं से जाता था क्योंकि थोड़ा मज़ा तो आता था, लेकिन अभी ऊपर से जाते हैं. और लेकिन ऊपर से जाने के लिए ना तुमको पर पर्सन 20 रुपये देना पड़ता है, यहाँ पे लिखा है. तुम लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लो ये. हाँ ब्रिज तुम्ही बनवला है ना ब्रिज? हाँ. किती दिवस लागले बनवायला? 15 तुम्ही एकट्याने बनवले? वडिलांनी. तुमच्या वडिलांनी एकट्यांनी माणसं घेतली. अच्छा. जेव्हा पाणी वाढतं पाणी वरपर्यंत येतं काय? वरनं जातं पाणी? व्ह्यू देखो गाईज क्या दिख रहा है यार. देवकुंड किती फूट आहे? 90 फूट. मग हे पण असेल ना 90 फूट पर्यंत? हा 90 पेक्षा जास्त आहे, 140 फूट. हे 140 फूट आहे? अरे बापरे. सो गाइज जिस चीज के लिए एक्साइटेड थे हम लोग बोलने का रखना कब से, कल से जिस चीज के लिए हम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो ये है. ये लगभग 90 फीट ऊंचा है. पैसा पूरा वसूल हो, पैसे की नहीं. अगर तुम लोग नेचर देखोगे ना लाइन में अभी एकदम ठंडा हो गया यहाँ पे, अभी शायद से बारिश होने वाली है. बहुत ही खूबसूरत प्लेस है कसम से. 90 फुट ऊपर से पानी गिर रहा है और इतना मस्त लग रहा है ना, क्या बोलूं. और पानी एकदम ठंडा ठंडा एकदम क्लीन पानी है. अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए. यहाँ से बाहर जाने के लिए हम लोग को 1.5 घंटा लगेगा और फिर वहाँ से शेयरिंग और बस वगैरह करके हम लोग मुंबई पहुँच जाएंगे. अगर तुम लोग भी यहाँ पे आ रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है सौरभ नाम के बंदे का, तुम लोग उसको कॉल कर सकते हो और डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हो. अगर तुम लोग को भी स्टे करने का है, ये बस देवकुंड एक ही जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जगह है. तुम लोग अगर आने का तो तुम लोग उसको कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो, वो अच्छी तरीके से तुम लोग को अरेंज करके दे देगा. इंस्टाग्राम की भी आईडी उसकी डाल दूंगा, तुम लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हो.
वो इंस्टाग्राम पे भी मैनेज करता है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे को बताओ तुम लोग कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, होप तुम लोग ने इन्जॉय किया रहेगा। अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो और वीडियो इन्जॉय किया तो जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। तो बस आज के लिए इतना।